हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो है सो अभी मॉर्निंग हो गया है और सुबह हम उठे हैं जस्ट। आज मेरा ड्यूटी नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ड्यूटी मतलब रेस्ट है, ठीक है। आज से मेरा नाइट ड्यूटी स्टार्ट है, इसीलिए आज डे में जो है सो लेट से सो के उठे हैं। और इनफैक्ट मैं आज जल्दी ही उठ गया और रेस्ट के अलावा पूरा पूरी 7:30 बजे, ठीक है। तो फिलहाल क्या करना है, फिलहाल बेड ठीक करना है, बाकी 9 बजे हमारा ब्लॉग भी आ जाएगा, 8 बजे एक वीडियो भी अपलोड किया। अभी 7:30 बजे उठे थे, अभी 8:30 के करीब बज रहा है और फ्रेश हो चुके हैं। अभी जो है सो थोड़ा नाश्ता करेंगे, लेकिन इससे पहले रूम थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर थोड़ा बाहर में बैठेंगे। एक बुक लिए हैं, उसको जो है सो थोड़ा रीड करेंगे, आज पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो पूरे दिन ही मेरे पास टाइम है और हमारा ड्यूटी जो है सो मतलब रात में 10 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक है, अभी बहुत लंबा टाइम है। तो रूम तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया। आज का वीडियो बहुत क्लियर होगा क्योंकि हम अभी दिन में शूट कर रहे हैं अपना ब्लॉग, तो आज का ब्लॉग कैमरा से देखने वाला आज का रहेगा। बाकी ज़्यादातर हमारा ब्लॉग रात को रिकॉर्ड होता था, इसके कारण बहुत कैमरा का मतलब क्वालिटी उतना दिखता नहीं था, इसमें ज़रूर दिखेगा, आई नो। तो अभी क्या करना है, अभी तो ब्रेकफास्ट के लिए हमको जो है सो रात का सब्जी बचा हुआ है थोड़ा सा, और चूड़ा की व्यवस्था करते हैं, फिर चूड़ा सब्जी खा लेंगे थोड़ा सा। बाकी खाना अभी नहीं बना है, थोड़ा लेट से ही बनेगा, 10:30 बजे के आसपास बनेगा, क्योंकि दादी का तबीयत थोड़ा खराब था, तो उनको हम बोले थे आज थोड़ा लेट से आइएगा, रेस्ट कीजिए। और वैसे भी मेरा नाइट ड्यूटी है, हम दोनों का नाइट ड्यूटी है, मेरा और अभिष जी जो उसका रूम वो है, तो हम दोनों का नाइट ड्यूटी आज से स्टार्ट है। तो आराम से आइए, मतलब 10-11 बजे तक खाना बनेगा, फिर खाएंगे गरम गरम। जाते हैं थोड़ा देर से, क्या कर रहे हैं, ट्रेन जा रही है वहां पे। अजय जी सोके उठे कि नहीं? हो बोला मेरे तरह आप भी सोए ही होंगे। सोए नहीं थे तो क्या कर रहे थे? अभी थोड़ा सा बैठ के सोचे पढ़ेंगे, मोबाइल देखते चाय बना। धूप आने दीजिए मर्द, तो इधर से धूप नहीं आता तो हवा आता है। आपका रूम नहीं बैठे, चलिए धूप में बैठेंगे बाहर हैं, नहीं तो पढ़िएगा तो पढ़िए। थोड़ा सा करंट अफेयर्स लिख रहे थे। जितना भी ये न्यूज चैनल है, मतलब कोई कुछ फेमस सेलिब्रिटी हो चाहे सोशल मीडिया में फेमस कोई हो, वो कुछ भी करता है तो वो न्यूज पे दे देता है। अब दीपिका पादुकोण अंडर वाटर शूट करवाया तो वो दे दिया, अभी ये कौन जरूरी था, उसका मन है अंडर वाटर करावे चाहे ऊपर वाटर करावे चाहे कुछ भी करावे, तो उसका वही न्यूज में दे दो। सेलिब्रिटी तो छोड़िए, मतलब सेलिब्रिटी का हम एग्जांपल दिया, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाएगा। जैसे सहदेव जो वायरल हुआ था अपना बचपन का प्यार, वो एक मतलब वीडियो बनाता है तो उसका वीडियो आज तक पे आ जाता है। मुझे थोड़ा देर में धूप में बैठेंगे, नहा के नहाने के बाद धूप में बैठने में मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे कचरा तक इसको ठीक काटना होगा। हम इसलिए भी नहीं काटते हैं क्योंकि कोई खुला हुआ रहता है ना खिड़की, तो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा जल्दी, डर लगता रहता है ना, वो खिड़की पास ही बैठे रहते हैं, कुछ जोर से बोलेगा भी तो मतलब डर जाएंगे, इसलिए छोड़ो कोई आएगा ही नहीं। तो दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, ठीक है। अब तो वो बता ही दिए थे कि रात का सब्जी बचा हुआ था और चूड़ा लेकर आए थे तो वो खा लिए, और अभी जो है सो बैठना है बाहर में, कुछ करना नहीं है, खाना बनेगा वो खाना खाएंगे, सो जाएंगे, मतलब थोड़ा देर के बाद कुछ कुछ करेंगे फिर सो जाएंगे, और नेक्स्ट में ड्यूटी है तो 2-3 घंटा कम से कम और सोना होगा।
तो यहाँ पे बैठे बैठे जो है तो बहुत ज्यादा धूप लगने लगा क्योंकि स्नान नहीं किए हैं। थोड़ा देर बैठे हैं, रूम में ही चलते हैं। यहाँ पे बैठे खाना में क्या बनाइएगा अभी जो है सो चावल दाल और सब्जी बना दीजिएगा। थोड़ा सा दाल थोड़ा कम ही बनाएगा, ठीक है? एक बार का खाना बनेगा दो आदमी का। पानी क्या हो गया? क्या पानी नहीं आ रहा है? अरे भाव क्या चाहिए? खाना नहीं खाइएगा? नहीं हम नहीं खाएंगे अभी। आप इतना देर से क्या कर रहे थे? 12 बजे आए खाने के लिए, अभी आए थे फिर चले गए। हमको लगा यार इतना जल्दी खा के चले गए। अभी नहाने के लिए गए थे और पानी आया है या नहीं? आएगा तो नहा लेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं। चलो हमको भी एगो बहाना मिल गया, अपने ही नहाना पड़ेगा। कल एक्चुअली शाम में तो नहाए ही थे, शाम में इतना 5 बजे, अब फिर सुबह में नहा उठ के एकदम देर दरादन सोए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, 10,000 से ज़्यादा खर्च हो चुका है। ओह माय गॉड, 6,000 तो कैश निकाले थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। एक बार 1900 का शॉपिंग, एक बार 700 का शॉपिंग, 800 का, फिर 1,000 रुपया उधर, ऐसे ही करके 10,000 के आसपास खर्च हो चुका है। हम भी पढ़ रहे थे, हाँ यहाँ पे देखिए हम भी पढ़ रहे थे, तो 4-5 पेज पढ़ रहे हैं। सो गए, बाहर में बैठ के पढ़ रहे थे तो ठीक था, यहाँ पे आए ना जैसे ही 2 पेज पढ़े और सो गए। हम बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम छोटा आदमी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, किताब पढ़ने से बड़ा आदमी बनता है। दोस्तों अभी जो है शाम के बज रहे हैं 4:30 और 5 बजे से मेरा जिम सोचते हैं कि जाएंगे, क्योंकि शाम में थोड़ा पहले से जाएंगे। इससे क्या होगा कि चूंकि मेरा नाइट ड्यूटी है तो आकर थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और काम भी होगा वो भी कर लेंगे। और वैसे भी आज भर दिन कुछ किए नहीं, बस थोड़ा बेड पे रेस्ट किए हैं और बस, और कुछ किए नहीं खास। और दोपहर में खाना खाने के बाद जो है पूरा मतलब रेस्ट ही चला है, क्योंकि भर रात जागना है तो ऑब्वियसली रेस्ट जरूरी है। बाकी अब सोना नहीं है, अब जाके जिम से जाना है, जिम से आना है, कुछ सब्जी वब्जी लेकर खाना बनेगा, रात में खाना खाएंगे, फिर यही सब चलता रहेगा। तो बाकी तैयार हो जाते हैं और निकलते हैं फिर। जींस जो है सो लोअर के ऊपर से ही पहन लेंगे, क्योंकि वहां पे जाके जींस खोलना होगा और फिर लोअर मान के एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि मेरे पास कैश खत्म हो गया है तो एटीएम भी जाना होगा, कैश भी निकालना होगा, इसके बाद फिर मार्केट से कुछ सामान सब्जी लेना होगा ताकि रात में बन सके और कल दिन के लिए भी हो जाए। ट्रेन जा रही है, पाँच बजने वाला है, 5 बजा नहीं है, 5 बजे से स्टार्ट करेंगे, 6:15 तक या 6:30 तक निकल जाएंगे। ये रहा हमारा स्टेशन का एटीएम, तो कैश निकाल लेते हैं। साढ़े 6 बज गया, अब निकलेंगे। सॉरी 18:35 मतलब 6:35 हो गया। हाँ अभी तो निकलते, 15-20 मिनट लगेगा। खाना बनाने के लिए आ गए हैं और हम यहीं पर सब्जी लेना सा। तो फाइनली रूम में आ गए हैं और टाइम हो रहा है 6:59 मतलब कि 7 बज रहा है, और अभी नाइट का सामान के लिए 10 बजे ड्यूटी है, तो नाइट का सामान अभी तक मेरे यहाँ नहीं आया है। तो जो इससे पहले ड्यूटी कर रहा था उससे जाकर अभी लेकर आना होगा, फिर उसको चार्ज में लगाना पड़ता है, तो लेकर आ जाते हैं पहले।
तो अभी बस खाना खाना है, थोड़ा रेस्ट करना है और जो ब्लॉग रिकॉर्ड हुआ है उसको एडिट करना है ताकि कल अपलोड हो सके मॉर्निंग में। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये रहा किचन, बहुत इतना साफ हम नहीं कर पाते हो, कैसे कर लेते हैं। सच बता रहे हैं।